सी आई ई टी एन सी ई आर टी के जरिए पेश है आठवीं जमात के लिए उर्दू की सौती किताब उर्दू गुलदस्ता सातवां सबक सफा नंबर पैंतीस दादी का शानदार बावर्ची खाना रस्किन बॉन्ड पैदाइश उन्नीस सौ चौंतीस रस्किन बॉन्ड हिंदुस्तान में बरतानवी हुकूमत के आखिरी दौर में पैदा हुए उनके वालिद का इंतकाल उन्नीस सौ चवालीस में हो चुका था रस्किन बॉन्ड का बचपन बड़ी हद तक तनहाई के माहौल में गुजरा लेकिन उन्होंने इस मुल्क को हमेशा के लिए अपना वतन बना लिया था उनकी स्कूल की तालीम शिमला में पूरी हुई अपनी जवानी की उम्र में कुछ अर्से के लिए वो अपने बुजुर्गों के वतन इंग्लिस्तान में भी रहे लेकिन फिर हिंदुस्तान वापस आ गए अब रस्किन बॉन्ड ने देहरादून के करीब मशहूर पहाड़ी मकाम मसूरी को अपना घर बना लिया है और वहीं रहते हैं हिंदुस्तान के अंग्रेज अदीबों में रस्किन बॉन्ड के मद्दाहों का हल्का बहुत वसी है उनमें बच्चे बड़े सभी शामिल हैं बच्चों के अदब की तरक्की में उनका किरदार बहुत नुमाया रहा है उनकी किताबों में डेली इज नॉट फार द रूम ऑन द रूफ और वेग्रेंड्स इन द वैली बहुत मशहूर हैं रस्किन बॉन्ड की खुद नोश्त का नाम सीन्स अ राइटर्स लाइफ है उनकी कहानियों पर कुछ फिल्में भी बन चुकी हैं देखा जाए तो दादी का बावरची खाना कुछ इतना बड़ा भी नहीं था कम अज कम सोने के कमरे या ड्राइंग रूम के बराबर तो हरगिज नहीं था फिर भी उसे बड़ा ही कहा जाएगा कि उसके साथ एक कोठरी मोहलक थी वैसे शानदार तो उसे खाने की उन चीजों की वजह से कहा जाता था जो उसके अंदर से पककर आती थीं, जैसे कबाब अनवाकसाम के सालन चॉकलेट की कंदी मूंगफली की टॉफियां, जलेबी गुलाब जामुन रोगनजोश और पेस्ट्री तुर्की की तर्ज पर मसाला भरे मुर्गे भरे हुए अंडे और भेड़ की भरवा राने मैं भरवा मुर्ग सफा नंबर छत्तीस दादी जैसा बावर्ची सारे शहर में नहीं था हमारे शहर का नाम था देहरादून ये शहर अब भी है लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद पहले से बहुत ज्यादा फैल गया है और आजकल यहां ज्यादा चहल पहल रहती है दादी का इस शहर में अपना घर था एक बंगला नुमा घर जो शहर की सरहद पर बना हुआ था बंगले के अहाते में बहुत से दरख्त थे फलदार दरख्त जैसे आम लीची केले पपीते अमरूद और लेमू के दरख्त उनके अलावा कटहल का एक बहुत बड़ा दरख्त भी था जिसका साया घर की दीवारों पर पड़ता था मुबारक है वो घर जिसकी दीवार पर हो पुराने किसी पेड़ का नरम साया दादी की ये अल्फाज मुझे आज भी याद हैं वाकई ये एक खुश नसीब घर था नौ साल की उम्र के एक ऐसे बच्चे के लिए जिसे हर वक्त भूख लगी रहती थी अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा बावरची खाना नहीं था जो दादी जैसा खाना पका सके तो यकीनन दुनिया में कोई ऐसा बच्चा भी नहीं था जो मेरे जितना खा सके दादी वाकई फरिश्तों जैसा खाना पका सकती हैं अगरचे मुझे ये पता नहीं है कि फरिश्ते खाना पका भी सकते हैं या नहीं सर्दियों की छुट्टियों में मैं जब भी बोर्डिंग हाउस से आता तो कम अज कम एक महीना दादी के साथ जरूर गुजारता सफा नंबर 37। उसके बाद बाकी की छुट्टियां गुजारने के लिए मैं अपने माँ बाप के पास आसाम चला जाता जहां मेरे वालिद चाय के बाग़ा में मैनेजर थे यूं तो चाय के बाग़ात भी बड़े पुरलुत्फ होते हैं लेकिन मुश्किल ये थी कि मेरे माँ बाप को खाना पकाना नहीं आता था उनके यहाँ एक खानसामा था लेकिन वो रोगन जोश के अलावा कुछ पकाना ही नहीं जानता था अब हर रोज रोगन जोश खाने से तो अच्छा भला आदमी उगता जाता है मैं तो सिर्फ एक बच्चा था इसीलिए दादी के घर आधी छुट्टियाँ गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता था उन्हें खुद मेरा उनके यहाँ आना पसंद था कि वो अकेली रहती थी बिल्कुल अकेली तो नहीं थीं क्योंकि उनके यहाँ एक मालन रहती थी नाम था कांता वो नौकरों के क्वार्टर में रहती थी उसका एक लड़का था मोहन जो तकरीबन मेरी उम्र का था उसके अलावा दादी के साथ एक बिल्ली रहती थी सूजी जिसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें थीं और एक कुत्ता था क्रेजी जो अपने नाम की रियायत से दिन भर घर के इर्द गिर्द पागलों की तरह चक्कर लगाता रहता था और फिर अंकल केन तो थे ही केन अंकल दादी के भतीजे थे जब भी उनकी मुलाजमत छूट जाती और ऐसा अक्सर हो जाता था तो वो दादी के यहां रहने चले आते कई बार सिर्फ इसलिए भी चले आते थे कि दादी के हाथ का खाना खाने को जी चाहने लगता था सफा नंबर अड़तीस अगरचे दादी अकेली नहीं थी फिर भी वो मुझे देखकर बहुत खुश होती थी वो कहा करती थी कि सिर्फ अपने लिए खाना पकाने में क्या मजा खाना तो वो होता है जो किसी के लिए पकाया जाए यूं तो उनकी बिल्ली कुत्ता और कभी कभी केन अंकल भी उनके खाने की तारीफ कर देते थे लेकिन एक अच्छा बावर्ची हमेशा एक बच्चे को खिलाकर बहुत खुश होता है दादी जब भी कोई नई चीज पकाकर मुझे खिलाती थी तो मेरी तरफ देखती रहती थी कि मुझे वो चीज़ कैसी लगी मेरी राय को वो एक कॉपी में लिख लेती जब वही चीज वो दूसरों को खिलाती थी तो मेरी राय उनके बहुत काम आती थी मैं जब दो चार चम्मच खा लेता तो वो पूछती अच्छी लगी हाँ दादी मीठा ठीक था हाँ दादी बहुत ज्यादा तो नहीं था नहीं दादी थोड़ी और लोगे हाँ दादी तो फिर खा जाओ सारी जो हुक्म भुनी हुई बतख दादी की पसंदीदा डिश थी पहली बार जब मैंने दादी के यहां भुनी हुई बतख खाई तो केन अंकल भी वहीं थे केन अंकल रेलवे में गार्ड थे सफा नंबर उनतालीस उन दिनों उनकी नई नई नौकरी छूटी थी और वो दूसरी नौकरी के मिलने तक दादी के यहाँ रहने को आए हुए थे आमतौर पर वो उस दिन खिसक लेते थे जब दादी कहती थी कि मैं तुम्हें पादरी दास के नन्हे बच्चों के स्कूल में मास्टर लगवा देती हूँ लेकिन अंकल को नन्हे बच्चों से सख्त नफरत थी वो कहा करते थे कि नन्हे बच्चों को देख ही उन्हें घबराहट होने लगती है वैसे तो वो मुझे देख भी घबरा जाते थे लेकिन मैं तो बस एक ही था और फिर दादी मौजूद थी उनके बचाव के लिए और पादरी दास के यहाँ तो सौ से ऊपर नन्हे बच्चे थे केन अंकल को भूख खूब लगती थी वो तकरीबन मेरे जितना ही खाते थे वो कभी भी दादी के खानों की तारीफ नहीं करते थे शायद यही वजह थी कि मैं कभी-कभी उनसे नाराज हो जाता था और उन्हें परेशान करके खुश होता था केन अंकल ने अपने सामने रखी भुनी हुई बतख को अपनी ऐनक को नाक के आखिरी कोने तक ले जाकर देखा और बोले सच्ची ने आज फिर बतख पका दी सफा नंबर चालीस फिर से तुम्हारा क्या मतलब है इससे पहले बतख मैंने तब पकाई थी जब तुम पिछले महीने यहाँ आए थे यही तो मैं कह रहा हूँ कम अज कम तुमसे तो मैं तो करता हूँ कि खाने में कोई नई चीज पके इस ऐतराज के बावजूद कैन अंकल ने पूरी बतख बमय इसके अंदर भुनी हुई चीज़ों के अपनी प्लेट में डाल ली और मेरे लिए कुछ भी न छोड़ा मैंने उनकी इस हरकत का बदला इस तरह लिया कि सेब की चटनी की पूरी बोतल अपनी प्लेट में उलट ली केन अंकल को अच्छी तरह मालूम था कि मैं बतख के अंदर भुनी हुई चीजों को बड़े शौक से खाता हूँ मुझे भी पता था कि केन अंकल सेब की चटनी के किस कदर दीवाने हैं चुनाचा हमने एक दूसरे से बदला ले लिया क्यों भाई मां बाप के पास कब जा रहे हो केन अंकल ने मुरब्बा खाते हुए पूछा मैं शायद इस बार ना जाऊं और अंकल आपको नई मुलाजमत कब मिल रही है मैं तो दो एक महीने आराम करने की सोच रहा हूँ बर्तन साफ करने में दादी और नौकरानी की मदद करने में मुझे बहुत लुत्फ आता था जब हम बर्तन साफ कर रहे होते तो केन अंकल या तो बारामदे में लेट कर आराम करते या फिर रेडियो सुनने बैठ जाते एक दिन केन अंकल की प्लेट की हड्डियां कुत्ते की रकाबी में डालते हुए दादी ने मुझसे पूछा तुम्हें केन अंकल कैसे लगते हैं वो अगर किसी और के अंकल होते तो ज्यादा अच्छे लगते मैंने जवाब दिया इतना बुरा तो नहीं है बस थोड़ा सा सनकी है। सनकी क्या होता है दादी थोड़ा सा क्रेजी अपना क्रेजी तो कम से कम घर के इर्द गिर्द दौड़ता रहता है मैंने जवाब दिया सफर नंबर इकतालीस केन अंकल को तो मैंने कभी दौड़ते हुए नहीं देखा लेकिन एक दिन मैंने उन्हें दौड़ते हुए देख लिया मैं और मोहन आम के दरख्त के साय में खेल रहे थे हम ये देखकर हैरान रह गए कि केन अंकल दौड़ रहे हैं और उनके पीछे शहद की मक्खियां दौड़ रही थीं। हुआ यूं कि वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे उस दरख्त पर लगे शहद के एक छत्ते की मक्खियों को उनका वहां बैठना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन पर धावा बोल दिया केन अंकल ने मकान के अंदर घुसकर ठंडे पानी के टब में पनाह ली उन्हें बस दो एक मक्खियों ने ही काटा था फिर भी उन्होंने फैसला किया कि वो तीन दिन तक बिस्तर में पड़े रहेंगे नौकरानी उन्हें वहीं खाना दे आती थी मैंने उस दिन दादी से कहा दादी मुझे नहीं मालूम था कि केन अंकल इतना तेज दौड़ते हैं कुदरत इसी तरह हमें सबक सिखाती है बेटा क्या मतलब देखो ना अब केन अंकल को पता चल गया कि वो वाकई दौड़ सकते हैं है ना ये कमाल की बात रस्किन बॉन्ड सफा नंबर बयालीस सवाल सवाल नंबर एक दादी का बावर्ची खाना कैसा था सवाल नंबर दो मुसन्फ अपनी छुट्टियां गुजारने कहा चला जाता था सवाल नंबर तीन दादी के कुत्ते और बिल्ली का क्या नाम था सवाल नंबर चार दादी की पसंदीदा डिश कौन सी थी सवाल नंबर पांच केन अंकल कौन थे और वो किस चीज के दीवाने थे सवाल नंबर छरत ने केन अंकल को किस तरह सबक सिखाया इसी के साथ नौ असबाक की किताब उर्दू गुलदस्ता का सातवां सबक खत्म हुआ सौती तावुन असर नवाज उस्मानी तकनीकी नियंत्रण लैंग लिंगडोह निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई टी एनसीआरटी -E -E नई दिल्ली भारत